इसमें दूध बॉयल हो रहा है, आज खीर बनेगा और खीर के साथ ये इधर पराठा भी बनेगा और चिली चिकन भी बनाना है, तो आज बहुत सारा आइटम बनेगा। पहले खीर पे थोड़ा फोकस करते हैं। इसमें अदरक और लहसुन दोनों को पेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो ग्राइंडर में पेस्ट अच्छा मतलब पूरा फाइन पेस्ट हो जाता है, तो वो चिकन में अच्छा नहीं होगा, इसलिए ऐसे ही पेस्ट कर रहा हूँ। और इसको अभी चिकन के साथ ऐड कर दूंगा। ये हो गया, अभी चिकन में थोड़ा पानी रह गया। इसके साथ ये अदरक लहसुन को पेस्ट कर दूंगा, पेस्ट का ऐड कर दूंगा, थोड़ा इसको मिक्स कर दूंगा अच्छे से। सॉल्ट और हल्दी दोनों दे दिया हूँ, मैरिनेट ऑलरेडी कर चुका हूँ, और इसमें से जो अदरक और लहसुन को दे दे रहा हूँ। ये चिली चिकन के लिए काट रहे हैं टमाटर, ये कैप्सिकम और स्प्रिंग ऑनियन, ये तीनों अभी चिली चिकन में डालेंगे। ये है स्प्रिंग ऑनियन, जो कि ऑनियन का छोटा छोटा जो पौधा होता है, और ये कैप्सिकम, ये तीनों अभी काटेंगे। ये स्प्रिंग ऑनियन फ्राइड राइस में भी अच्छा लगता है, चाइनीज आइटम में ये अच्छा लगता है स्पेशली। इसका प्राइस भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है, केजी 100 रुपीज़। कैप्सिकम केजी भी काफ़ी ज़्यादा है, 120 रुपीज़ केजी है। वन कैप्सिकम, एक ही कैप्सिकम लाया, 10 रुपीज़। चिली चिकन में थोड़ा कैप्सिकम अच्छा लगता है। सोया सॉस नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टमाटो सॉस से काम चलाना होगा। अभी सब रेडी हो गया, कैप्सिकम, स्प्रिंग ऑनियन और क्या काटेंगे फिर, अभी 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 ऑनियन काटेंगे। ऑनियन थोड़ा स्पेशल कट करते हैं, गोटा गोटा करके कट करेंगे, उसका जो
चिली चिकन के लिए थोड़ा छोटा छोटा नहीं करेंगे, उसको पहले हाफ कर देंगे। ख़राब हो गया लग रहा है, पर ऐसे करके उसका एक एक पत्ता को निकालेंगे, ऐसे करके निकालेंगे। दो ठो ऑनियन से काफ़ी हो लग रहा है, हो जाएगा। चिकन भी ज़्यादा नहीं है, ओनली 450 ग्राम है, तो सफिशेंट है मुझे लग रहा है। तो अभी इसको थोड़ा सा धो लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ठीक से धोए नहीं, उसको धो लेंगे फिर फ्राई करेंगे। ग्रीन चिली भी काटना है। पराठा बना रहे हैं, लगता पराठा को लेयर लेयर पूरा उसका ब्रेक होगा और सॉफ्ट होगा। ऐसे थोड़ा उसको कर देना होगा, जस्ट निकालने के बाद तो उसका लेयर थोड़ा फट जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा, बहुत सारा पूरा सॉफ्ट हो गया होगा। इधर चिकन फ्राई हो रहा है और पहले से भी फ्राई करके रखे हैं इसमें, तो इसके बाद बनाएंगे। ऑलमोस्ट रेड हो गया, अभी निकाल दूंगा। अभी निकालने के बाद इधर सब रेडी है, कैप्सिकम सेम ऑनियन ये सबको डालेंगे। वेस्टर्न स्टाइल का नहीं हुआ पर ठीक है, घर के खाने के लिए ठीक है। अभी तो फ्राई हो गया चिकन, अभी ये सब डाल देंगे। ये सब चाइनीज आइटम थोड़ा हाई फ्लेम में अच्छा होता है, तो गैस का पूरा फुल फ्लेम में डाल दिया हूँ और ये सब एक साथ फ्राई कर रहा हूँ। टमाटर थोड़ा लेट में दूंगा और सॉस लेके जो फ्राइड चिकन है उसको डालेंगे। अभी रेडी हो गया ऑलमोस्ट, तो खाना खाएंगे। ये पराठा बनके रेडी है, दो तीन तो अच्छे से सॉफ्ट सॉफ्ट हुआ है, बाकी बहुत तो हार्ड हुआ है। जो थोड़ा काट के बनाए थे बच्चा टाइप का, वो सॉफ्ट हुआ है। रेडी है, अभी थोड़ा टेस्ट कर।